किसान भाई अब बुआई की विधि को समझते हैं। आलू की बुआई करते समय कतार से कतार, पौधा से पौधा की दूरी और गहराई का भी उचित ख्याल रखें, क्योंकि कम गहराई पर बोने से आलू सूख जाते हैं और अधिक गहराई पर बोने से नमी की अधिकता के कारण आलू सड़ जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में अंकुरण ठीक नहीं होता है। आलू बुआई करते समय कतार से कतार 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पछेती किस्मों में वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, इसलिए पछेती किस्मों को कतार से कतार 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 25 सेंटीमीटर रखा जाता है। अगर गहराई की बात करें तो यह कंद बीज के आकार, भूमि की किस्म और जलवायु पर निर्भर करता है। बलुआई मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई और दोमट मिट्टी में 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई रखनी चाहिए। अब बात बुआई की विधि की। दरअसल आलू बोने के कई विधियां हैं, जो कि भूमि की किस्म, नमी की मात्रा, यंत्रों की उपलब्धता और क्षेत्रफल पर निर्भर है। बुआई की विधि में से एक प्रमुख विधि है समतल भूमि में आलू बोकर मिट्टी चढ़ाना। इस विधि में खेत में 60 सेंटीमीटर पर लाइन बना ली जाती है और इन बनी हुई लाइनों पर 5 सेंटीमीटर गड्ढा बनाकर आलू के बीज को 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बो दिया जाता है और फिर इन सब के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। दूसरी विधि है मेड़ों पर आलू की बुआई करना। इसके लिए पहले कुदाल से या यंत्रों से मेड़ बनाकर उस पर उचित दूरी और गहराई पर आलू के बीज को लगा सकते हैं। यह विधि अधिक नमी वाले जमीन के लिए उचित है। इसके अलावा अगर आप आलू में मिट्टी चढ़ाते हैं तो बुआई के लगभग 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई कर आलू पर मिट्टी चढ़ा दें। साथ ही बीच बीच में फसल का निरीक्षण करते रहें। इस दौरान अगर कोई कंद मिट्टी के बाहर दिखाई दे तो उसे मिट्टी से ढक दें, क्योंकि ऐसा करने पर आलू के कंद हरे नहीं होंगे।